शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस दबे पांव आकर किसी को भी अपना शिकार बना रहा है। सतरंजीपुरा, शांतिनगर, खामला के बाद अब कोरोना अपना कहर दक्षिण नागपुर में बरपा रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि दक्षिण नागपुर के बड़े ताजबाग के अंतर्गत आने वाले आजाद कॉलोनी में एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिली है। जानकारी मिलते ही पुलिस और मनपा कर्मी ने आजाद कॉलोनी की ओर आने जाने वाली सभी रास्तों को सील कर दिया है और परिसर के नागरिकों को जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे ऐसे लोगों को क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। लोगों को बार बार पुलिस, मीडिया और मनपा प्रशासन बता रही है कि लॉकडाउन में आप घरों में ही रहे, किंतु लोग इसे अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते नागपुर में अब तक कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा ताजबाग के अंतर्गत आने वाले आजाद कॉलोनी में एक महिला डॉक्टर संदिग्ध पाई गई थी, लेकिन उसकी जांच होने के बाद वो पॉजिटिव मरीज निकली, जिसके चलते मनपा प्रशासन परिसर में खलबली सी मच गई, जिसके चलते मनपा प्रशासन ने परिसर के 35 लोगों को क्वारंटाइन किया है। अब नागपुर की यदि बात करें तो नागपुर में 249 कोरोना पॉजिटिव मरीज है, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़े ताजबाग के आजाद कॉलोनी से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।